हाय, यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का उपेंद्रनाथ अस्क का परिचय दीजिए वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना, परिचय, प्रकाशित रचनाएं और उपसंहार के रूप में उसका उत्तर देंगे। शुरू करते हैं। अस्क जी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनकी जो रचनाएं थी, इनका जो जीवन था, वह एकदम सरल और सुंदर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो परिचय है वह हम प्रस्तुत करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नामक नगर में 14 दिसंबर 1910 को हुआ। इनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। इन्होंने मैट्रिक और बीए की परीक्षा जालंधर के डीएवी कॉलेज से पास की। बीए के पश्चात वे अपने ही स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। सन 1933 में अध्यापन छोड़कर साप्ताहिक पत्र भूचाल से जुड़े और उसका संपादन किया। सन 1934 में संपादन का कार्य छोड़ लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1939 में लॉ की डिग्री प्राप्त की। ऑल इंडिया रेडियो से भी वे जुड़े। उन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रख्यात रचनाकार अस्क जी का निधन सन 1988 में हुआ। उनके परिचय के विषय में कहे तो इनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन का अत्यंत बारीक विवेचन हमें मिलता है। अब उनकी रचनाओं के विषय में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सन 1936 से अस्क जी के व्यक्तित्व में एक नया मोड़ आया। लेखन कार्य पूर्व में भी चल रहा था, लेकिन यहाँ से लेखनी ने जोर पकड़ा। उन्होंने उर्दू में भी लिखा। उर्दू में उनके दो कहानी संग्रह छपे, नवरत्न तथा भारत की फितरत। उनका हिंदी में प्रथम कहानी संग्रह था जुदाई की शाम गीत। यह 1933 में छपा था। अश्क जी ने अनेक रचनाएं लिखी, उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। उर्दू काव्य की एक नई धारा रचनाएं लिखी, उनमें से सॉरी उर्दू काव्य की एक नई धारा आलोचना ग्रंथ है पराजय, जो ऐतिहासिक नाटक है। पापी, वेश्या, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहली, आपस का समझौता, एकांकी, स्वर्ग की झलक, सामाजिक नाटक, पिंजरा, छींटे, कहानी संग्रह तथा प्रातः प्रदीप काव्य संग्रह। उनका नाटक छठा बेटा तथा उपन्यास गिर की दीवारें भी बहुत प्रसिद्ध हुए। अन्य रचनाएं इस प्रकार है कैद और उड़ान, अंजो दीदी, पैंतरे, यह नाटक है, पर्दा उठाओ और गिराओ, साहब को जुकाम है, बदसिया, सुखी डाली, चरवाहे, खिड़की, यह एकांकी है, गर्म राख,
बड़ी बड़ी आंखें, एक नन्ही कंदोल शहर में घूमता आईना, यह उपन्यास है। चांदनी की रात और अजगर, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, यह काव्य संग्रह है। उन्होंने संस्मरण, निबंध, लेख, पत्र, डायरी आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। मंटो मेरा दुश्मन उनकी संस्मरणात्मक रचना है। अष्ट जी ने चेखव, स्टीनबैक, दोस्तों एवस्की के उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता उनकी भाव संपदा है। उनकी रचनाओं में जीवन के यथार्थ के साथ साथ जीवन के सुंदर आदर्श का भी हमें संदेश मिलता है। मानवीय संबंधों का उन्होंने सूक्ष्म विवेचन भी किया है, यह उनकी एक विशेषता भी रही है। नाट्य कला की दृष्टि से अष्ट जी के नाटक एवं एकांकी अत्यंत सफल माने जाते हैं। उनकी नाट्य कला गजब की है। उनके शिल्प में हास्य और व्यंग्य अत्यंत सहजता से गुथा रहता है। रंगमंचीय निर्देशों एवं संकेतों के द्वारा वे रचना को और अधिक जीवंत बना देते हैं। उनकी कहानियों में यथार्थवाद का अंकन मिलता है। वास्तव में उनकी रचनाओं में आए सभी पात्र जीवन में यत्र तत्र बिखरे हुए सजीव पात्रों की अनुभूति कराते हैं। अष्ट जी की भाषा सरल, सहज, चुस्त एवं व्यंग्य से भरपूर है। उनकी शैली जो है वह मुहावरेदार है। आम बोलचाल की भाषा शब्दावली के द्वारा वे रचना को अधिक संप्रेषणीय बना देते हैं। उर्दू एवं अंग्रेजी की शब्दावली का सहजता से वे प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा का सौंदर्य अधिक निखर कर हमारे सामने आता है। अष्ट जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी तथा कविता आदि विधाओं में साहित्य रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक प्रकार के एकांकियों की रचना की। इनमें विषय तथा कलागत दोनों की दृष्टियों से वैविध्य देखने को मिलता है। अष्ट जी के एकांकियों पर पाश्चात्य एकांकियों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इन्होंने आधुनिक भारतीय समाज की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है, जिनके कारण इनके एकांकी आधुनिक हिंदी एकांकी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने एकांकी में यथार्थवादी चित्रण के साथ मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए अंतर्द्वंद को भी प्रस्तुत किया है। रूढ़ियों, परंपराओं के बीच फंसे मध्य वर्ग के प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद आदि जैसे अनेक पहलुओं को अपने एकांकियों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। पारिवारिक जीवन की समस्याओं को आधार बनाकर उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति को भी प्रस्तुत किया है। पापी, लक्ष्मी का स्वागत तथा सुखी डाली आदि एकांकियों में मध्यम वर्गीय परिवार की विषमताओं का ही वर्णन किया गया है। अष्ट जी के एकांकियों में हास्य व्यंग्य को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन्हीं के सहारे वे मनुष्य की कमजोरियों को समाज के सामने पर्दाफाश करते हैं। इन्होंने पुरानी गढ़ी सभी मान्यताओं पर तीव्र कटाक्ष किए हैं। इस श्रेणी में अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत और तूफान से पहले जैसी एकांकी का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके व्यंग्यों में बौद्धिकता की प्रधानता है और इसीलिए वे पाठक को विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अष्ट जी ने सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकी भी लिखे हैं। उनके इसमें नए प्रयोग का प्रारंभ तो इसके द्वारा ही अष्ट जी ने किया है।
इनके चरवाहे, चिलमन और देवताओं की छाया में आदि एकांकी इसी श्रेणी में आते हैं। इनका अंधी गली नामक प्रसिद्ध एकांकी संकेतात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें लेखक ने बड़ी कुशलता से समाज को अंधी गली के रूप में चित्रित किया है। अष्ट जी के पात्र जटिल नहीं है। पात्रों का चयन करते समय अष्ट जी परिवेश का विशेष ध्यान रखते हैं। इस प्रकार पात्रों का चयन भी रोजमर्रा के जीवन से ही किया जाता है, इसीलिए हमें उनके पात्र जो है वह जाने पहचाने रखते हैं और उनकी सुखद और दुखद अनुभूतियां भी हमारे मानसिक धरातल को प्रभावित करती है। यह हुई अष्टजी की योगदान की बात। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में भी अष्टजी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। अब हम उनकी प्रकाशित रचनाओं को थोड़ा अलग से देखते हैं, जैसे कि उपन्यास तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। कहानी संग्रह तो 70 से श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, आड़ आदि। नाटक देखे तो लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजो दीदी आदि। एकांकी संग्रह अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उम्मिया, रिज पर आदि। संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकिया, आलोचना, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके समुच्चय साहित्य का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि यथार्थ के प्रति इनका प्रबल आग्रह है। ये अपने विषय का चयन कल्पना से नहीं बल्कि अपने आसपास की जिंदगी तथा दैनिक जीवन से करते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि वे एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे।